ठीक है, अगला देखो, अब देखो वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ही है, ये मैं बोल रहा हूँ कोई ए वेक्टर है ना, और ये कोई एंगल थीटा बना रहा है से हॉरिजॉन्टल से, तो इस वेक्टर को मैं उठा के इधर पे रख दूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे उठा के रख दूंगा तो अभी भी ये ए वेक्टर ही कहलाएगा मेरा। या फिर इस वेक्टर को मैं ऐसे उठा के, ये सब जो वेक्टर एक एरो की तरह होता है ना, वेक्टर के पास दोनों दो चीज़ें हैं बस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं एरो की लेंथ चेंज नहीं कर रहा मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और इसको अगर मैं ऐसे ये नहीं कर रहा तो मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। अगर ऐसे घुमा दूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा वेक्टर, है ना, वो सेम वेक्टर नहीं रहेगा तुम्हारा, बदल जाएगा। पर अगर उसको मैं इस तरह से करूँ कि वो खुद के पैरेलली ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे ए वेक्टर ऐसा बना दूँ तो ये भी अभी भी ये ए वेक्टर है, लेंथ सेम है ना, रफ डायग्राम है सारे, ये भी ए वेक्टर है, ये सारे तुम्हारे क्या कहलाएंगे, ए वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम है आती याद रखना, जब भी हम बताएं एफबीडी वगैरह बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह, तो हम क्या करते हैं फोर्सेस को उठा के कहीं भी रख देते हैं जहाँ हमारा मन करता है, ठीक है। तो वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती, फिजिक्स में हम जितने भी पढ़ते हैं सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, तो कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, एरो की लेंथ और उसका डायरेक्शन, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में जबकि तुम पढ़ोगे तो बताए उनको हम फिक्स्ड वेक्टर्स बोलते हैं, वहाँ पे तुम्हारा वेक्टर की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हम बताए प्लेन की इक्वेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं वेक्टर नोटेशन में, पर यहाँ पर कोई नहीं है, ये सारे फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे बताओ जल्दी से, ये फटाफट करते हैं, सभी को पता होगा। कब दो वेक्टर्स को पैरेलल बोलेंगे, जब उनके बीच का एंगल, मेरे ख्याल से समझ में सबको आता है ना, जैसे ये ए वेक्टर है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर है से, यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर है से, ये बी वेक्टर, ये भी अगर थीटा एंगल बना रहा है, चलो कुछ ले लेते 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री बना रहा है ना, और ए वेक्टर हो सकता है तुम्हारा 5 न्यूटन, और बी वेक्टर तुम्हारा हो सकता है 7 मीटर पर सेकेंड। तो एक तरह से ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये क्या है, फोर्स वेक्टर, पर फिर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कहलाएंगे, जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो सिर्फ किससे मतलब है, उनका एंगल सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है तुम्हारा, 0 डिग्री। वैसे पैरेलल का मतलब सभी समझते हैं, मुझे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या। जब पैरेलल बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेलोसिटी है ये फोर्स है, पर दोनों क्या है, पैरेलल। सिमिलरली एंटी पैरेलल आ जाता है हमारा, वो भी समझ ही गए तुम नाम से, है ना। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई इंसान इस डायरेक्शन में गया, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अभी मैं आगे जाके तुम्हें यह भी सिखाऊंगा दो वेक्टर के बीच का एंगल किस तरह से निकालते हैं ना, पर अभी समझ जाओ जब ये अपोजिट है तो 180 डिग्री है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी हम उनको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। लाइंस के केस में पैरेलल ही होता है, एंटी पैरेलल कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैरेलल और एंटी पैरेलल अलग अलग डिसाइड कराए, ठीक है। ये दोनों भी एंटी पैरेलल के लाएंगे, याद रखना, ये भी एंटी पैरेलल है, ऐसा नहीं कि सेम लाइन पे तो नहीं, ये नहीं होंगे, ये भी एंटी पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, किसी को कहीं भी डाउट आए ना तो रोक के पूछना, अभी बस आसान चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो इक्वल कब बोलेंगे भाई दो वेक्टर्स को, दो चीज़ें होती हैं वेक्टर के पास, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन, है ना, बिल्कुल। अगर लिख लो इक्वल वेक्टर्स मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। चलो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे ना, तुम बताना कौन कौन से वेक्टर्स, जो भी हमें दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, देखो ये मान लेते हैं ये तुम्हारा ए वेक्टर है, 45 डिग्री पे है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तुम्हारा पहला है। और यहीं पे मान लेते हैं ये मेरा बी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन, एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, थ्री मीटर पर सेकेंड पे है, ये सी वेक्टर है, एंड दिस इज मेकिंग 30 डिग्री, ये मेरा डी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग 45 डिग्री, ये मेरा 5 मीटर पर सेकेंड पे है ई वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग 45 डिग्री,
ये मेरा एफ वेक्टर है, दिस इज 3 meter per second एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग 45 degree. तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देने वाला हूँ, उसमें से बताना कौन कौन से सही हैं. ठीक है, सबसे पहले तो भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सही है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये सही है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये सही है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, मल्टी करेक्ट है ना, जो भी जो जो सही है बता देना. ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, एंगल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए वेक्टर, ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर. चलो बताओ, चलो बीच में तुम ही बताओ, पहला वाला सही है गलत है? ये सही है. चलो बताओ क्यों, ये वाला ये मतलब पहला क्यों सही है? क्यों सर, उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है. अच्छा, डायरेक्शन कैसे सेम है? सर, एंगल के वजह से. ठीक है, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है? मैग्नीट्यूड सॉरी तो ये सही है गलत है? नहीं है, गलत है. क्यों गलत है भाई? मैग्नीट्यूड मतलब से नंबर नहीं होता, नंबर विदाउट यूनिट नहीं, नंबर विद यूनिट. तो यूनिट अलग अलग है दोनों के ना, तो पहला वाला गलत है. दूसरा बताओ भाई, क्यों मॉड का क्या मतलब है? अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? सेकंड वाला सही है, कितना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना? अच्छा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ नंबर होता है कि नंबर के साथ यूनिट भी होता है? तो कितना है? 3 meter per second. गलत है ना? ये बताओ ये ए वेक्टर और सी वेक्टर, देखो ये सही है. सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका कितना है, इसका कितना है? सेम है. अरे मॉड लगा है ना, मॉड मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड तो इसका भी 3 meter per second, इसका भी 3 meter per second है. तो भाई मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो दोनों इक्वल भी हो गए, इक्वल भी है दोनों वेक्टर्स. क्यों बच रहे हो बेटा? इतना पता कोई बहुत है. ये समझ में आया क्या? अच्छा नहीं है ना, एंगल डिफरेंट है ना, मैग्नीट्यूड सेम है पर एंगल अलग अलग है. चलो बताओ भाई फोर्थ वाला, ए वेक्टर और डी वेक्टर. अब तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है क्या दोनों का? डी है भाई, डी इतना प्यारा बनाया है. सही है, क्यों सही है? तो बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड दोनों का 3 meter per second है तो इक्वल भी हो गए दोनों. मैग्नीट्यूड तो सही है ना? हाँ बताओ, ये सही क्यों है? तो इक्वल भी है दोनों. डायरेक्शन अलग है, कहाँ अलग है भाई? ये भी 45 degree बना रही है, ये भी 45 तो नहीं है इक्वल. ठीक है, ये बताओ ए वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल है क्यों? ठीक है, और ये ई वेक्टर और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पैरेलल है ना, क्योंकि एंगल सेम है. जब पैरेलल की बात करेंगे तो एंगल देखो दोनों 45 degree बना रहे हैं, पैरेलल है. ए वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल है तो ये सही है गलत है? गलत है ना बेटा. देखो किसी को किसी में डाउट है क्या? अभी तक जो पढ़े हैं वो इन सब से क्लियर हो जाएगा अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो. ठीक है, ठीक है, लोगों नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कितने पॉइंट लिख लिए थे अपने? 4 लिखे थे. देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो मान लो मैं कह रहा हूँ ये ए वेक्टर है कुछ, है ना, ये को ए वेक्टर कुछ थीटा एंगल पे है और इसका मैग्नीट्यूड से बोल देते हैं कुछ भी भाई 5 meter है. तो बताओ बी वेक्टर, मैं कह रहा हूँ फाइंड बी वेक्टर सच दैट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर. तो माइनस करने से क्या हो जाएगा?
याद रखना यहाँ पे वेक्टर में जब भी हम माइनस कर देते हैं तो उससे माइनस करने से क्या होता है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने माइनस करा तो बी वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल बनाओ, तो मैं ना इसकी लेंथ भी जो इसकी है वही इसकी रखो, बस डायरेक्शन क्या करोगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, बी वेक्टर। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। तो जब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर होगा तो ए वेक्टर भी क्या होगा, माइनस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। डायरेक्शन बस अलग अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही कितना है, 5 न्यूटन। आया क्या समझ में, तो लिखो भाई, इन वेक्टर्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन, इन वेक्टर्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, लिखो अगला, लिखो भाई, कोई डाउट किसी को नहीं ना, लिखो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। अब स्केलर तो बताइए है ना, नंबर विद यूनिट, ठीक है। तो देखो होता क्या है भाई, मान लेते हैं, मान लो वही ले लेते, चलो एफ वेक्टर है मेरे पास, फोर्स है इसका 2 न्यूटन फोर्स है, और कुछ एंगल बना लो, मान लो कुछ भी भाई है 37 डिग्री पे है ये, इसका 2 न्यूटन है। मैं कह रहा हूँ फाइंड ई वेक्टर सच दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 times एफ वेक्टर। तो कैसे बनेगा ई वेक्टर, बना दो यहीं पे, तो ई वेक्टर भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस इसका लेंथ कितनी हो जाएगी ई वेक्टर की, 3 times, और एंगल सेम रहेगा। तो जब भी तुम बताए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या फिर किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा सबसे पहले तो ना, या फिर कर सकता है। ये कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 6 न्यूटन, क्योंकि 3 times था ना, तो 2 into 3 6 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ चलो एक और डिवाइड कर लेते, फाइंड सम जी वेक्टर सच दैट जी वेक्टर इक्वल टू -1/2 एफ वेक्टर। अब जी वेक्टर कैसा बनेगा, अब पहले तो देखो 1/2 कर दिए, 1/2 कर दिए मतलब 2 था, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आया, 1 न्यूटन, मतलब इसकी आधी लेंथ का बनेगा। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया ना, तो डायरेक्शन और रिवर्स करना पड़ेगा, ये तुम्हारा जी वेक्टर हो जाएगा। तो जब भी तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। लिख लो इसे, नोट करके लिखो, ये बनाओ फिर मैं लिखवाता हूँ, और अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। लिखो, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एंड व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स एन टाइम्स एंड। अब यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिखना है, पहला लिखो एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम इफ एन इज इक्वल टू पॉजिटिव। सेकेंड, डायरेक्शन रिवर्सेस, रिवर्स मतलब पूरा 180 डिग्री से है ना, बिल्कुल अपोजिट हो जाना, डायरेक्शन रिवर्सेस If n is equal to negative। देखो कोई डाउट है क्या, मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई करा मतलब n पॉजिटिव था तो डायरेक्शन सेम रहा, जब -1/2 से मल्टीप्लाई करा तो n नेगेटिव था तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया।